गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू द सेशन। एज यूजुअल आपको पता है कि लाइट चली गई थी, और जिसका जो है नेक्स्ट सेशन हम इसको कंटिन्यू करेंगे जहाँ से हमारे क्वेश्चंस रह गए, तो जल्द से जल्द इसको कवर करते हैं। देखिए, जैसे ही आपका सेशन जो है ख़त्म होगा, उसके 15 मिनट्स बाद आपकी ये क्लास जो है अपलोड हो जाएगी, तो प्लीज़ क्लास को जरूर देखिए। तो पहला है आपका फर्स्ट बीजेपी गवर्नमेंट इन HP वॉज हेडेड बाय, हमने यहाँ पे क्वेश्चन कर रहे थे, तो इसका सीधा आंसर ही करते हैं ताकि हम इस सेशंस को जल्द से जल्द पाइड अप करें। तो आंसर इज ठीक है, तो आंसर क्या आएगा इसका, शांता कुमार। HP launched e-governance plans called HimsWAN in which year? It is in 2010. In which year Rohtang Tunnel project commenced? Rohtang Tunnel कब आया था? देखिए, actually में इसका plan जो था वो 1983 में बन रहा था, लेकिन 2000 में इसमें जो आपके अटल बिहारी वाजपेयी थे उन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखा, इसकी जो कंस्ट्रक्शन थी वो 2010 में चली। प्लान था कि 2015 में इसको कंप्लीट करेंगे, बिकॉज ऑफ सम सर्कमस्टांसेस ये जो था आपका ख़त्म, मतलब जिसको आप बोल सकते हो ये उस टाइम पे रुक गया था, और फाइनली इट इज़ कवर्ड इन 2019 में 2 अक्टूबर को मिस्टर मोदी ने इनका इनॉग्रेशन किया था, इनका इनॉग्रेशन किया था। एक सेकेंड गाइस, ठीक है, नेक्स्ट अगर देखा जाए तो इसके बाद है श्री हरिराय टेम्पल इज लोकेटेड एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश। हरिराय टेम्पल जो है हिमाचल प्रदेश का, वो कहाँ पे है? तो हरिराय टेम्पल किसने बनाया है? आपके राजा लक्ष्मण वर्मन, चंबा के राजा हैं, ठीक है, नगर में नगर कैसल, रामपुर में लवी फेयर, ठीक है, नालागढ़ में आपका क्या है, इट्स नालागढ़ की कैपिटल पुराना नाम क्या था, हंडूर, और अजय चंद ने बनाया था, और रामपुर किसने बनाया था, नालागढ़ किसने बनाया था, विक्रमचंद ने, रामपुर बनाया था राम सिंह ने, और ये किसकी थी कैपिटल, बुशहर की। द तारपुर प्रिंसली स्टेट वॉज फाउंडेड बाय जयचंद, जिसको अकबर ने बंदी बनाया था, अभयचंद जिसने सुजानपुर टीला बनाया, आलमपुर जिसने आलमचंद ने आलमपुर बनाया, आंसर इज दतार चंद। गायत्री थिएटर वॉज ओपन इन शिमला, टाइम विल टेल वॉज द फर्स्ट स्टोरी जो कि नरेट की गई थी, और गेटी थिएटर कहाँ पे है, कब बना था, 1887 में। 1883 में चार्ल्स एटिंगसन जो थे वो चंबा आए थे। 1865 से लेकर 1947 तक जो है आपकी शिमला इंडिया की कैपिटल रही है, 1843 नहीं। सेकेंड स्लाइड, आई होप कि यहाँ तक क्लियर है, जल्द से जल्द पाइड अप करते हैं क्योंकि आज 3 बार मेरे सेशन में जो है बीच बीच में लाइट गई है, तो मैं इसको फास्ट अप करने की कोशिश करूँगी। देखिए, मैक्सिमम क्वेश्चंस किए हैं, लेकिन उम्मीद करती हूँ कि आप इस सेशन को भी देखेंगे और शेयर करेंगे। विच पास इज अ रिफ्यूज ऑफ मंडी गडेरिया एंड बिजनेस मैन इन हिमाचल, कौन सा ऐसा दर्रा है जो बिजनेस मैन और मंडी गडेरिया का शरण स्थली बना? जलोड़ी, कुल्लू, आउटर एंड इनर सराज, दरट्टी, चंबा, ठीक है, आपका बारालाचा, रोड ऑफ क्रॉस समिट्स, तो आंसर इज रोहतांग पास, जो कि पीर पंजाल में मृतकों का ढेर भी बोलते हैं। इस पास में काफी बोलते हैं लोगों की लाश दबी हुई है। विच हॉट वाटर स्प्रिंग इज बेडली अफेक्टेड बाय कोल्ड डैम, कोल्ड डैम से कौन सा हॉट वाटर स्प्रिंग जो है सबसे ज्यादा अफेक्टेड है? वशिष्ठ कुल्लू में है, खीरगंगा कुल्लू में है, कसोल कुल्लू में। जो कोल्ड डैम है वो किस नदी पे बनी है? सतलुज पे बनी है, बरमाना में है, NTPC के अधीन है। तत्ता पानी, जो तत्ता पानी है हॉट वाटर स्प्रिंग जो मंडी में है, वो सीवियरली अफेक्टेड हुआ है इस कोल्ड डैम से। तो क्वेश्चन, कोल्ड डैम किस नदी पे है, कहाँ पे है, और किस कौन सी एग्जीक्यूटिंग बॉडी है इसकी, दैट इज NTPC। NTPC मतलब नेशनल थर्मल पावर प्लांट कॉरपोरेशन। व्हेन डिड धर्मशाला म्यूनिसिपल एस्टेब्लिश? 1846 नहीं, आंसर इज 1867। 63 में एल्गिन को जो है पीटर हॉफ में रहे थे, 1854 में ढलौजी बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जसवा वॉज फाउंडेड बाय, जसवा किसने की थी? संसार चंद वॉज द इम्पोर्टेंट रूलर ऑफ आपका कांगड़ा, ठीक है, महल मौर्यों की लड़ाई हुई थी, बीरचंद, कहलूर,
जिसने नैना देवी टेम्पल बनाया, हरिचंद गुलेर, कैपिटल इज हरिपुर, आंसर इज पूरब चंद। टोटल नंबर ऑफ नेशनल पार्क्स आर देयर, देयर आर, देखिए कितना पार्क का एरिया है, दैट इज इतना 66% फॉरेस्ट ने कवर किया है। कितने नेशनल पार्क्स हैं? 5। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कितनी है? 33। ठीक है, तो आंसर इज नेशनल पार्क्स 33 सेंचुरीज, और कितने नेशनल पार्क्स हैं? 5। झांडूता डेवलपमेंट ब्लॉक इज इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? झांडूता डेवलपमेंट ब्लॉक कहाँ पे है? बिलासपुर में, ऊना में हरोली, कुल्लू में अनी, बंजर, सोलन में नालागढ़। ठीक है, चंद्रगुप्त ताल इज लोकेटेड एट विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो अब आंसर बताइए, देखिए नीलकंठ, दीपक ताल, चंद्रताल, सूरज ताल लाहौल स्पीति में है, कुल्लू में दशोहर मंतलाई झील है, चंबा में आपकी चंद्रगुप्त ताल है, महाकाली है, लमडाल है, शिमला में जो है आपकी गढ़ कुफर, तनुजुबल, चंद्रनाहन जहाँ से पब्बर निकलती है, और शिमला में जो है आपकी कराली, डर्टी लेक कहाँ पे है? शिमला में। नेक्स्ट क्वेश्चन, डुबंत फुकंत भकंत आर द कस्टम्स ऑफ, देखिए डुबंत फुकंत भकंत, मैरिज, मैरिज होती है मजमी जो हमने कल किया था, कुबिष्ठान, ये सारे मैरिज कस्टम्स है, फेस्टिवल्स फुलेज लॉसर, पनिशमेंट्स तिशिंग मिशिंग, ये पनिशमेंट्स है। आंसर इज डुबंत फुकंत जो है ये 10 संस्कार हैं। डुबंत मतलब पानी में डेड बॉडी को डाल देना, फुकंत जला देना, भकंत डेड बॉडीज को जो है जानवरों को खाने को दे देना। ठीक है, विच टाइप ऑफ कस्टम इज रिलेटेड टू डिवोर्स इन चंबा? पिछली बार हमने लाहौल का किया था, दैट इज अकुपचा, आटा बाटा इज द मैरिज सिस्टम, मीन्स एक दूसरे का, मतलब अगर जिस घर में लड़की गई है तो उस, या जिस घर के लड़के की शादी कहीं पे हुई है तो उसकी उसी बहन की शादी कि उसी लड़के के किसी रिलेटिव से करना, आटा बाटा जिसको बोलते हैं। खेवत नहीं, कावादानी नहीं, आंसर इज छड़ाई, छड़ाई। विच रूलर ऑफ चंबा सेंट मियां अवतार टू हेल्प ब्रिटिश अगेंस्ट डलहौजी? कौन सा ऐसा राजा था जिसने मियां अवतार को डलहौजी के खिलाफ ब्रिटिशर्स की हेल्प करने के लिए भेजा था? राज सिंह, देखिए मुशान वर्मन जिसने चूहों को मारने का प्रतिबंध लगाया, और पनगना इनको डाउरी में किसने दी थी? वीर सेन ने। चरत सिंह के टाइम पे सती प्रथा को बंद किया गया था। गोपाल सिंह जिसने सिंह प्रत्यय लगाया था, आंसर इज राजा राज सिंह। राजा राज सिंह ने मियां अवतार को एज ए वजीर भेजा था कि वो ब्रिटिशर्स की हेल्प कर सके और डलहौजी के खिलाफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हेडेड इंटरिम गवर्नमेंट सेट अप इन हिमाचल प्रदेश 1948 में? कौन सी इंटरिम गवर्नमेंट थी? जयवंत राम, जयवंत राम ने जो है पहले स्पीकर ऑफ हिमाचल विधानसभा इज जयवंत राम, आज के कौन है? विपिन परमार। एन सी मेहता पहले आयुक्त थे जब हिमाचल बना था। शिवानंद रमोल, डॉक्टर वाई एस परमार इज द चीफ मिनिस्टर, फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश, आंसर इज शिवानंद रमोल। देखिए आपसे ये भी पूछा जा सकता है फर्स्ट डिप्टी स्पीकर कौन थे? कृष्ण चंद। और आज कौन है? मिस्टर हंसराज जी। आज के जो पहला आयुक्त कब बना था? 1948 में। तो एन सी मेहता वॉज द फर्स्ट आयुक्त। डिप्टी आयुक्त कौन थे आपके? ई पी मून। हु मीडिएटेड बिटवीन राजा संसार चंद एंड जय सिंह रामगढ़िया? जय सिंह रामगढ़िया और संसार चंद के बीच में कौन सा ऐसा राजा था जिसने मीडिएट, मतलब उनकी जैसे बोल सकते हैं ना स्वामित्व का विवाद जो है सुलझाया था, और उसकी जगह उन्होंने काफ़ी चीज़ें ली थी। तो अमर सिंह थापा और संसार चंद के बीच में महल मोरियों की लड़ाई। गुरु गोबिंद सिंह जो सिद्ध सेन के टाइम पे मंडी आए थे, ठीक है, और गुरु गोबिंद सिंह पौंटा साहिब भी आए थे, किसके टाइम पे? मेदनी प्रकाश के टाइम पे। तो महाराजा रणजीत सिंह जिसके साथ संसार चंद की लड़ाई संधि हुई थी, ट्रीटी ऑफ ज्वालामुखी, जिसमें 66 विलेजेस और एक कांगड़ा किला जो था दिया था, और इन्होंने ही इनको अमर सिंह थापा से बचाया था, कांगड़ा किला से निकलवाया था। मलाना हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज इन, देखिए सतलुज पे तो आपका भाखड़ा प्रोजेक्ट है, देन कोल डैम है, करछम वांगटू है, थिरोट एंड सीसु चेनाब में है, ब्यास में या रावी में आपका होली है, चमेरा है,
वेरासुर है, ये सारे रावी के ब्यास। देखिए मलाना जो है ये क्या है, एक ट्रिब्यूटरी, मलाना इज द ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड और ऋषि जामलू से रिलेटेड है, जो मादगनी होते हैं और उन्होंने बानासुर को मारा था। वेयर विच इज द विंटर स्पोर्ट्स कैपिटल ऑफ हिमाचल प्रदेश, नालदेहरा, नाइन गोल्फ कोर्स, मशोबरा, आपका सीपी फेयर लगता है और इसका फार्मर रीजनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और आपका पंचायती राज, नारकंडा में हाटू पीक है, आंसर इज कुफरी। कुफरी में CPRI भी है, मस्क डियर भी है, जूलॉजिकल पार्क भी है और दूसरा आपका क्या कह सकते हैं आप उसमें, अब जो है स्कीइंग पार्क बनने वाला है। नेक्स्ट आता है फर्स्ट डिप्टी चीफ कमिश्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश, पहला डिप्टी चीफ हिमाचल प्रदेश का कौन था। देखिए अभी हमने किया था NC मेहता तो चीफ कमिश्नर थे 1948 में, मेजर जनरल हिम्मत सिंह जो थे ये 1952 में जब पार्ट सी स्टेट बना था तब थे, तो ये नहीं है आपके ईपी मून। थोड़ी सी स्लाइड डल होगी, अगर दिक्कत आ गई क्वेश्चंस को सुन लीजिए। लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन वाइज, सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन वाइज कौन सी है, लाहौल स्पीति सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट है एरिया वाइज, चंबा सबसे बैकवर्ड एरिया है और चंबा जो है लिटरेसी वाइज सबसे, लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा कम चंबा का है, हमीरपुर पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज़्यादा है इधर, ठीक है, और इसमें क्या है आपका सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी यहाँ पे, लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा यहाँ पे, आंसर इज कांगड़ा। कांगड़ा में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है लेकिन अर्बन पॉपुलेशन आपकी शिमला में है। क्राइम्स के लिए भी यही जाना जाता है, सबसे ज़्यादा रोड डेंसिटी भी यहीं पे और सबसे कम कहाँ पे है, किन्नौर में। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ लोएस्ट लिटरेसी रेट एज पर सेंसस, कुल्लू नहीं, किन्नौर नहीं, सिरमौर नहीं, आंसर इज चंबा। डुग्गी जोत कनेक्ट भरमौर विद, डुग्गी जोत भरमौर को किससे कनेक्ट करता है, कांगड़ा से तो आपका जिसको बोल सकते तोरी जोत, आपका स्पीति नहीं, पांगी आपका साच पास, आंसर इज आपका लाहौल। डुग्गी जोत से भरमौर को कौन कनेक्ट करता है, लाहौल। श्रीखंड माउंटेन पीक इज लोकेटेड है, श्रीखंड माउंटेन पीक सबसे टफेस्ट श्राइन बोलते हैं इसको, तो बिलासपुर में बहादुरपुर फोर्ट है और बहादुरपुर इज द हाईएस्ट पीक, मंडी में नारगो इज द हाईएस्ट पीक, डिब्बी पोखरी इज द हाईएस्ट पीक, श्रीखंड जो है ये कुल्लू में है, ठीक है, शिमला में आपकी चांसल पीक है। थोड़ा सा फास्ट कर दें, द एशियन नेम ऑफ कांगड़ा वॉज, कांगड़ा का पुराना नाम क्या था, कौरवपुर नहीं, जलंधर भी बोलते हैं और नगरकोट भी बोलते हैं, जलंधरा भी था और नगरकोट भी था, पर पांगी किसका, हाई पांग किलाड़ किसका था, पांगी का, तो वैसे ज़्यादातर क्या जाएगा पुराना नाम कांगड़ा का नगरकोट। नूरपुर स्टेट वॉज इट्स जेनेट ड्यूरिंग, मधानता के टाइम पे मत प्रकाश बोला जाता है इनको, जिन्होंने कांगड़ा से नवाजत खान और इनको किसका साथ दिया था, इन्होंने इराफ खान का, ठीक है, रूप सिंह नहीं, भक्तपाल या भक्तमल जिसने शाहपुर फोर्ट बनाया, आंसर इज जगत सिंह, ये पहले भी किया है। हु फाउंडेड मंडी स्टेट इन अराउंड 1200 AD, ये द्वारा आए हैं क्वेश्चन किसी और पेपर में, रिपीटेड है, देखिए ऑप्शन ही देख लीजिए, बीसेन सुकेत, कल्याण सिंह, कल्याण सिंह की बॉडी बनाई, आंसर इज बाहुसेन। धामी फायरिंग ट्रेजेडी टुक प्लेस इन, ऑप्शंस में ये देख लीजिए जो पहले ऑप्शंस की है वो डिफरेंट है, ये ऑप्शंस बिल्कुल डिफरेंट है, 1949 नहीं 1947 में भारत आज़ाद हुआ, 1942 में पजोता आंदोलन एंड क्विट इंडिया मूवमेंट, 1939 16 जुलाई 1939 और भागमल सोठा। श्री गोपाल टेम्पल इज लोकेटेड एट, श्री गोपाल टेम्पल कहाँ पे है, सोलन में सबसे ऊंचा टेम्पल दैट इज जटोली एंड शूलनी टेम्पल, चंबा में आपका बंसी गोपाल टेम्पल है, बालभद्र ने बनाया, लक्ष्मी नारायण टेम्पल साहिल वर्मन ने बनाया, हरिराय टेम्पल लक्ष्मण वर्मन ने बनाया, देन युगांकर वर्मन ने गौरी शंकर बनाया, त्रिभुवन रेखा देवी ने उनकी जो वाइफ थी उन्होंने कौन सा बनाया था, नरसिंह टेम्पल। कुल्लू क्या है, विश्वेश्वर टेम्पल, बिजली महादेव टेम्पल, रघुनाथ टेम्पल, रामचंद्र टेम्पल, ये सारे कुल्लू में है, आंसर इज बिलासपुर। गोपाल जी टेम्पल जो है ये बिलासपुर में है, किसने बनाया था, आनंद चंद ने। नेक्स्ट, हु इंस्टॉल द आइडियल ऑफ रघुनाथ जी इन कुल्लू,
कुल्लू में रघुनाथ की मूर्ति को स्थापित किसने किया था? अवध सिंह नहीं, सुल्तान चंद, जिसको जगत सिंह ने हराया था और सुल्तानपुर को कैपिटल रखा था। सूरत सेन, जिसने माधुराव की जलेब बनाई। आंसर इज जगत सिंह। नेक्स्ट आता है, एट विच सेशन ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल कॉन्फ्रेंस द शिमला हिल स्टेट्स हिमालयन रियासती प्रजा मंडल वॉज फाउंड। कौन सा ऐसा सेशन था जिसमें हिमालयन प्रजापति मंडल जो था वो फाउंड किया गया था? दिल्ली सेशन नहीं, आपका लखनऊ सेशन नहीं, आंसर इज लुधियाना सेशन। लुधियाना सेशन जो हुआ था 1516 को 1937 में, उसके बाद आपका हिमालयन शिमला रियासती प्रजा मंडल फाउंड किया गया था। एच पी कंपल्सरी एजुकेशन वॉज इनेक्टेड इन विच ईयर? हिमाचल प्रदेश का कंपल्सरी प्राइमरी एजुकेशन कब इनेक्ट किया गया? 1950 में आपका क्या बना था? कॉन्स्टिट्यूशन। 51 में आपका पार्टसी स्टेट बना था, अगर हिमाचल की बात की जाए, ठीक है। और 56 में आपकी यूनियन टेरिटरी बनी थी। When did Y.S. Parmar become the CM of for the first time? पहली बार Y.S. Parmar हिमाचल के चीफ मिनिस्टर कब बने थे? 1952, 56, 66 में पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन, 1956 में यूनियन टेरिटरी बनी और बजरंग बहादुर वॉज द फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर। आंसर इज 24, 1952 में पहली बार CM बने थे। एक मिनट, पहली बार CM बने थे। नेक्स्ट आता है 24, 1952। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ट्रेवल इन हिमालयन प्रोविंस इज रिटन बाय, ट्रेवल इन हिमालयन प्रोविंस कब लिखी गई थी? विलियम मूरक्राफ्ट, एंड्रयू विल्सन, डी एन मजूमदार या जे हचिनसन। जे हचिनसन ने हिस्ट्री ऑफ पंजाब हिल स्टेट्स लिखी, पंजाब हिल स्टेट्स। डी एन मजूमदार ने लिखी हिमालयन पोलियंड्री। एंड्रयू विल्सन ने लिखी अबॉर्ड ऑफ स्नो। आंसर इज विलियम मूरक्राफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजड़ी फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? भोजड़ी फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? हमीरपुर में गसोता फेयर, कांगड़ा में आपका साड़ी फेयर, चंबा में मनाया जाता है भोजड़ी फेयर मिंजर के बाद, और आपका बिलासपुर में नैना देवी फेयर कर लीजिए, नलवाड़ी फेयर कर लीजिए। जमादार लाला राम बिलोंग्स टू, जमादार लाला राम जो थे वो फर्स्ट रेसिपियंट थे जिनको विक्टोरिया क्रॉस अवार्ड मिला था। तो आंसर इज हमीरपुर के भरंच में थे। बिलासपुर से संजय कुमार था जिनको परमवीर चक्र मिला। सोलन से आप सलमान रशीद को याद कर लीजिए जिन्होंने अनीस विला बनाया। शिमला से राजकुमारी अमृत कौर। फर्स्ट लोकायुक्त ऑफ हिमाचल प्रदेश, पहले लोकायुक्त कौन थे? जयवंत राम स्पीकर, एच सी चक्रवर्ती गवर्नर, एम एच बेग फर्स्ट चीफ जस्टिस। आंसर इज टी वी आर टाटाचारी। हाईएस्ट विलेज ऑफ हिमाचल प्रदेश, सबसे ऊंचा गांव कौन सा है? पू, दैट इज द पार्ट ऑफ किन्नौर। ताबो, सबसे ओल्डेस्ट गांव पर जिसको अजंता ऑफ हिमालयस बोलते हैं। आंसर इज किब्बर। टोटल नंबर ऑफ विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन हिमाचल प्रदेश, ये किसी का गलत नहीं होना चाहिए, दैट इज 68। थोड़ा सा फास्ट चलें। आइकन ऑफ ईरा इज द डॉक्यूमेंट्री ऑन द लाइफ ऑफ। आइकन ऑफ ईरा किसकी ऑटोबायोग्राफी, किसकी डॉक्यूमेंट्री है, किसके लिए लिखी गई है? जगमोहन गोलखरा, दैट इज वंडरलैंड ऑफ हिमाचल, रामायण ऑफ हिमाचल, Y.S. Parmar, शेप एंड साइज, एंड इसकी जो है आप आर्किटेक्ट ऑफ हिमाचल। शांता कुमार, जिसने क्या लिखी थी? लाजो लिखी थी, ठीक है। पहाड़ बेगाने होंगे, ये भी लिखी थी। आंसर इज वीरभद्र, राजा वीरभद्र सिंह जो है उनकी आइकन ऑफ ईरा है, जिनका हाल ही में 7 जुलाई को आई थिंक निधन हुआ था, मतलब 7 जुलाई को हुआ था, ठीक है। और विच इज द लीडिंग डिस्ट्रिक्ट इन फ्लावर प्रोडक्शन, फ्लावर प्रोडक्शन के लिए सबसे फेमस डिस्ट्रिक्ट कौन सी है? कांगड़ा, कांगड़ा टी के लिए फेमस है। शिमला एप्पल्स के लिए फेमस है, ठीक है। मंडी आपका मक्की के लिए फेमस है। आंसर इज सिरमौर, और जिंजर के लिए भी सिरमौर फेमस है। अकॉर्डिंग टू हचिनसन एंड वोगल, विच प्लेस इज डेडिकेटेड एज मोहम्मडन स्टेट? हचिनसन और वोगल के अनुसार कौन सी ऐसी रियासत है जो मोहम्मडन है? सिब्बा, सिबराम, दतारपुर, दतारचंद, गुलेर, हरिचंद। आंसर इज शाहपुर, और शाहपुर फोर्ट किसने बनाया था? भक्तमल ने, जिसका मेंशन अकबरनामा में भी था।
द प्लेस धेनुघाट इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट, धेनुघाट प्लेस जो है वो कहाँ पे है, सोलन, मंडी, बिलासपुर, शिमला, शिमला में नहीं, तारा देवी याद कर लीजिए, पायराइट, बिलासपुर में आपका बांडला फोर्ट, मंडी में करसोक, आंसर इज सोलन। एक चीज और बता दो, मंडी में शिकारी देवी टेम्पल भी है, आपका नारगू है, बांदली वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है। हु वॉज इलेक्टेड एज द फर्स्ट मेयर ऑफ धर्मशाला म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, पहला धर्मशाला म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का पहला मेयर कौन सा है, पूनम ग्रोवर पहली मेयर है सोलन की। हाउ मेनी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, 5, ठीक है, सोलन की पहली पूनम ग्रोवर, सत्यपाल जो है ये अभी के फर्स्ट मेयर, अभी मेयर जो है शिमला म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के ये नहीं, शैलेंद्र चौहान जो है ये डिप्टी मेयर है आपके शिमला म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के, आंसर इज रजनी देवी। वेयर इज लामगांव पैलेस इज सिचुएटेड इन हिमाचल प्रदेश, लामगांव पैलेस कहाँ पे है, मंडी, मंडी में दमदमा महल, ऊना में कुठलेर महल, कुल्लू में नगर पैलेस, आंसर इज कांगड़ा, कांगड़ा के जयसिंहपुर। यहाँ तक कौन कौन बोर हुआ है और किस किस को सेशन अच्छा लगा है, अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक एंड शेयर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, स्पीति इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर, तो ये है सतलुज। थोड़ा सा फास्ट, भुंडा फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड, देखिए चंबा की नहीं है, सिनाब की नहीं है, यमुना की नहीं है, ब्यास की नहीं है, ब्यास की मलाना कर लीजिए, फोजल कर लीजिए, यमुना की गिरी, जलाल, आपकी टोंस, पब्बर, चिनाब की मियार और सेचू नाला, सियार नाला जिसको बोलते हैं। भुंडा फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड एंड फुंडा फेस्टिवल जो है ये कुल्लू में मनाया जाता है 12 साल बाद निर्मंड में परशुराम, ठीक है। गिफांग माउंटेन पीक इज इन लाहौल स्पीति, मैटरहॉर्न ऑफ गिफांग गाइटी भी हैं और गिफांग मैटरहॉर्न ऑफ स्विट्जरलैंड भी बोलते हैं इनको एज ए ग्लेशियर। किन्नौर की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, शिला, सिरमौर, चूरधार, शिमला, चांसल। स्वामी कृष्णानंद इज रिलेटेड टू मंडी, कांगड़ा नहीं, ऊना नहीं, बिलासपुर नहीं। जसवा धार इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट, तो जसवा धार इज लोकेटेड इन ऊना, कांगड़ा में नहीं है, बिलासपुर में बांडा धार, हमीरपुर में सोला सिंगी धार और कांगड़ा में है धोलाधार पर्वत। हु इज पॉपुलरली नोन एज आर्किटेक्ट ऑफ हिमाचल, दैट इज वाई एस परमार, बख्शी सत्य प्रकाश को बोलते हैं तगमे सतुरंज, बाबा कांशीराम आपके क्या कहा जाता है इनको, पहाड़ा द बुलबुल एंड पहाड़ी गांधी, पद्मदेव कविराज। नेक्स्ट आता है लक्ष्मी, लक्षणा देवी टेम्पल इज लोकेटेड एट छतराड़ी, उदयपुर में मृकला देवी है, भरमौर में चौरासी देवी, सुजानपुर में नर्मदेश्वर टेम्पल। सुकेत प्रिंसली स्टेट वॉज फाउंडेड बाय बीर सेन, गिरी सेन ने कियोंथल, बाहू सेन ने आपकी मंडी, अजबर सेन ने आज का मंडी टाउन। यूएस क्लब वॉज फाउंडेड इन, यूएस क्लब जो था ये शिमला में 1812 में स्कॉटिश कैंडिडेट, कैनेडी हाउस 1834 में याद कर लीजिए ऑकलैंड ने पहली जमीन ली थी। नेक्स्ट, वेयर इज चंगर इरिगेशन प्रोजेक्ट कवरिंग 23350 हेक्टेयर्स लैंड, 2350 हेक्टेयर लैंड जो थी वो कहाँ ली गई थी, गिव मी 1 मिनट प्लीज, जस्ट गिव मी 1 मिनट, दरवाजा बंद करके जाओ। सॉरी फॉर इंटरप्शन, वेयर इज चेंगर इरिगेशन प्रोजेक्ट, तो वो कहाँ पे है आपका, देखिए मंडी में है बाला प्रोजेक्ट एंड बलबौर प्रोजेक्ट, ऊना में है आपका कौन सा प्रोजेक्ट है आपका नगर प्रोजेक्ट, सिरमौर में है गिरिराज गिरी प्रोजेक्ट, आंसर इज बिलासपुर। चंगर प्रोजेक्ट जो है इरिगेशन प्रोजेक्ट वो बिलासपुर में और सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है शाह नहर। अकॉर्डिंग टू न्यू रेन्यूएबल एनर्जी सेटअप आपका वेयर इज सोलर डिस्ट्रिक्ट सेटअप इन हिमाचल, तो वो कहाँ पे है आपका, दैट इज शिमला, सोलन, मंडी, ऊना। तो न्यू रेन्यूएबल सोलर सेटअप जो था ये सोलन की वायस परमार यूनिवर्सिटी और एनआईटी आपका कौन सा, हमीरपुर। लेकिन शिमला में और हमीरपुर में जो है
कहाँ जाता है, मंडी में नहीं, ऊना में नहीं, शिमला में और हमीरपुर में स्मार्ट सिटीज बनाने की बात की जा रही है। वेयर वो वेन वॉज बाथू ब्रिज इस्टेब्लिश, तो ये था 1920। कर्जन ने रेलवे कालका लाइन की। 1925 में चैम्बर बना था प्रिंस का और एडवर्ड स्कूल। 1904 में, नहीं जस्ट गिव मी 1 सेकेंड प्लीज। ठीक है, जस्ट थैंक यू। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नीलकंठ लेक इज लोकेटेड इन, तो वो हम अब सीधा ऑप्शन करते हैं, दैट इज लाहौल स्पीति, चंबा में नहीं, शिमला में, अभी बताया, किन्नौर में आपका नाको लेक। ठीक है, हु सेट अप उरस्वती इंस्टीट्यूट एट नगर इन कुल्लू डिस्ट्रिक्ट। उरस्वती इंस्टीट्यूट कुल्लू में किसने स्टेप किया था? देखिए, नगर में विश्वद पाल ने नगर को कैपिटल बनाया। एलसी प्रार्थी फर्स्ट एमएलए टू रिप्रेजेंट फ्रॉम द कुल्लू और कुल्लूवत देश की कहानी किसने लिखी थी? एलसी प्रार्थी ने। शोभा सिंह आर्ट गैलरी कहाँ पे है? अंदरेटा में। ठीक है, और ये क्या है? कुल्लूवत देश की कहानी। ठीक है, तो उरुस्वती इज रिलेटेड टू निकोलस रोरिक, जिसकी रोरिक आर्ट गैलरी भी है, और इसको क्या कहा जाता है? महाऋषि। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट प्रेरणा एंड प्रयास प्रोग्राम वर इंट्रोड्यूस टू इम्प्रूव एजुकेशन स्टैंडर्ड्स? प्रेरणा एंड प्रयास, प्रेरणा एंड प्रयास दो प्रोग्राम्स थे, प्रेरणा फॉर द प्राइमरी एजुकेशन, प्रयास फॉर 6th to 5th एजुकेशन। तो किसके द्वारा शुरू किया गया? हमीरपुर एंड बिलासपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट द टाइम ऑफ नादिर शाह इन्वेजन विच रूलर गेव शेल्टर टू द आर्टिस्ट? नादिर शाह ने जब अटैक किया था हिमाचल पे भी, तो उस टाइम पे गोवर्धन सिंह, राजा गोवर्धन सिंह ने जो है आपके, मैंने आंसर ही बता दिया वैसे आपको, किस राजा ने जो है आर्टिस्ट को शरण दी थी? देखिए, राजा पद्म सिंह इज रिलेटेड टू सपनी फोर्ट और पद्म पैलेस, और लास्ट रूलर ऑफ किस डिस्ट्रिक्ट का, बुशहर का। ठीक है, किंग मानसिंह, किंग मानसिंह जिसने क्या बनाया था? कपिल मुनि का आश्रम बनाया था कुल्लू में। पृथ्वी सिंह, पृथ्वी सिंह के टाइम पे क्या याद किया था? जितनी भी हिल पेंटिंग्स होती है ना, मुराल पेंटिंग्स, वो इनके टाइम पे फेमस थी। आंसर इज राजा गोवर्धन सिंह, जो कि गुलेर के राजा थे, और गुलेर कलम जो है सबसे फेमस कलम रही है। विच रूलर ऑफ कांगड़ा वॉज कन्फर्ड द टाइटल ऑफ मेजर इन ब्रिटिश आर्मी इन 1888 AD? 1888 में किसे मेजर की उपाधि दी गई थी? ध्रुवचंद, ध्रुव देवचंद वॉज द लास्ट रूलर ऑफ कांगड़ा। ठीक है, प्रताप चंद नहीं, विजय राम चंद, जिसने बीजापुर बनाया। ठीक है, तो आंसर इज जयचंद, जयचंद को जो है मेजर की उपाधि दी गई थी ब्रिटिशर्स द्वारा। रीजनल जुडिशियल कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन अप्रैल 2015 एट धर्मशाला, अभी इस पे जो है अभी सत्र लगा है, तपोवन, मिनहासा, देन इसके बाद आप इसको क्या कह सकते हो, वॉर मेमोरियल यहाँ पे है। हमीरपुर NIT के लिए फेमस है। मंडी जो है आपका IIT कमांड, आंसर इज शिमला। नेक्स्ट, त्रिलोकीनाथ टेम्पल इज लोकेटेड एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश? थोड़ी सी ये ब्लर है थोड़ी सी, बट आप इसके क्वेश्चंस को देख लीजिए। त्रिलोकीनाथ टेम्पल जो है वो कहाँ पे है? देखिए ऑप्शंस में, देखिए भरमौर में 84 मंदिर, ऊना में आपका शिवबाड़ी, बाबा बड़भाग और बाबा रुद्रानंद आश्रम, नाहन, आप इसमें नाहन में याद कर सकते हो आपका नाहन फाउंड्री। ठीक है, आंसर इज उदयपुर, उदयपुर में है आपका त्रिलोकीनाथ, जिसको अवलोकितेश्वर मंदिर भी बोलते हैं। प्रताप वर्मा ने मृकला देवी टेम्पल बनाया था और उदयपुर उदय सिंह ने बनाया था, चंबा के राजा। तो त्रिलोकीनाथ टेम्पल जो है वो अवलोकितेश्वर टेम्पल है, जिसमें हिंदूज और बुद्धिस्ट की पूजा की जाती है। चूहड़ वैली इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? चूहड़ वैली कहाँ पे है? चंबा, मक्की वैली, आंसर इज मंडी। सिरमौर में क्यारदा धून वैली, कांगड़ा इज वैली ऑफ वीरभूमि। जाखू हिल, दैट इज द हाइएस्ट हिल ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट? नन ऑफ दीज नहीं, मंडी में हाइएस्ट पीक है आपकी नारगू, सिकंदर धार यहाँ पे है। कुल्लू में जो है आपकी डिब्बी बोकरे, आंसर इज शिमला। जाखू हिल जो है शिमला की सबसे ऊंची चोटी है, और जाखू मंदिर में, जाखू हिल में जाखू मंदिर भी है, जहाँ पे
कहते हैं हनुमान जी का स्टैचू बना हुआ है। ठीक है, चले आगे, बोर तो नहीं हो रहे हैं? और आई एम सॉरी अगर मैं थोड़ा सा फास्ट कर रही हूँ, बट टाइम कम है वरना ये क्लास भी थोड़ी लंबी हो जाएगी। ठीक है, हु वॉज द फाउंडर ऑफ मंडी स्टेट? तो मंडी स्टेट के फाउंडर, अब मंडी प्रिंसली स्टेट नहीं बोलिए, बानसेन प्राशुलिक, सूरसेन नहीं, वीरसेन ने सुकेत बनाया, आंसर इज अजबरसेन। यहाँ पे ऑप्शन ही क्या जाएगी, अजबरसेन। जहांगीर ने नूरपुर पे कब अटैक किया था, 1622 में। व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो वो है आपका 55673। विच लेक इज द बिगेस्ट नेचुरल लेक ऑफ हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश की कहते हैं सबसे प्राकृतिक झील कौन सी है? गोविंद सागर तो सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, रिवालसर लेक ऑफ सेवन फ्लोटिंग रीड्स, आंसर इज रेणुका, वाइफ ऑफ जमादगनी, मदर ऑफ परशुराम। ठीक है, सिरमौर में एशियन नेम ऑफ रिवर यमुना इज, विपाशा ब्यास, सतुधरी आपकी सतलुज, इरावती आपकी रावी, आंसर इज कालिंदी, जिसका सन के साथ एथिकल रिलेशन है। चेल क्रिकेट स्टेडियम इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो ये कहाँ पे है आपके, सोलन, शिमला में नहीं। ठीक है, अन्नाडेल पहला कहते हैं डुरंड कप कहाँ पे हुआ था, शिमला में हुआ था। कुल्लू नहीं, कांगड़ा नहीं, कांगड़ा में कौन सा है, कांगड़ा में आपका HPCA का जो आपका मेजर इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है, धर्मशाला में। अलेक्जेंडर रीच द बैंक्स ऑफ विच रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश, अलेक्जेंडर जब भारत आया था तो वो हिमाचल भी आया था, जब वो आया था आपका तो अलेक्जेंडर ने किस नदी से वो वापस चला गया था और किसने इसको रोका था, कोई नोज ने, और इसने कितने स्तूप्स बनाए थे, 12 स्तूपास बनाए थे ताकि लोगों को पता चल सके आने वाले टाइम पे कि अलेक्जेंडर, बट ये सारे अब खत्म हो चुके हैं, तो कोइनोज और किस नदी पे रुक गया था आगे जाने के लिए, इसकी आर्मी ने मना कर दिया था, दैट इज ब्यास। कामरू वॉज द एशियन नेम ऑफ किन्नौर, वैसे कामरू किसका नाम था, बुशहर का, और बुशहर को जो है बनाने वाला कौन था, प्रद्युमन। ठीक है, मंडी को बनाने वाले अजबरसेन, मंडी स्टेट को, कांगड़ा को बनाने वाले, देखिए पुराने महाभारत टाइम पे तो आपके कहते हैं भूमिचंद थे, लेकिन अब जो थे उसके बाद सुशर्मा ने कांगड़ा किला बनाया था। आई होप कि आपको सेशन अच्छा लग रहा होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट डज नॉट फॉल इन न्यू हिमाचल, नए हिमाचल का मतलब है 1948 के बाद जो हिमाचल बना वो है नया हिमाचल, 1948 के बीच में जो डिस्ट्रिक्ट बनी थी उसमें वो है आपका ओल्ड हिमाचल, तो आंसर इज चंबा, ये बाद में बनी है आपकी सारी, कुल्लू, लाहौल स्पीति और कांगड़ा। नैना देवी हिल्स आर लोकेटेड एट बिलासपुर, हमीरपुर में आवा देवी टेम्पल, कांगड़ा में मसरूर रॉक का टेम्पल जिसको अलोरा बोलते हैं, इसकी हाइएस्ट पीक है भरवाएं, और गगरेट जहाँ पे शिव बाड़ी है। चंद्रखनी पास इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट, सिरमौर में है चूर चांदनी जो सिरमौर और शिमला को जोड़ता है, किन्नौर में है आपका सारी गालू, चंबा में है आपका दरट्टी पास, और आप इसको बोल सकते हो साच पास, आंसर इज कुल्लू। जोगनी वाटरफॉल इज लोकेटेड एट, देखिए सुंदरनगर में नहीं, आपका इधर फार्मर रीजनल और ITI कर लीजिए, समर हिल में आपकी HPU यूनिवर्सिटी है, मंडी में तत्ता पानी है, आंसर इज आपका मनाली। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द ओल्डेस्ट प्रिंसली स्टेट, तो ये तो आपका गलत नहीं होना चाहिए, दैट इज ट्रिगर्ड, ये हमने अभी भी पहले भी किया है। ठीक है, नेक्स्ट, बाल्टी इज द फोक डांस ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, बाल्टी जो है किस डिस्ट्रिक्ट का फेमस डांस है, देखिए बिलासपुर, बिलासपुर का है गांगी, चंबा का झांकी हंतर झांझर, ये सारे क्या हैं, चंबा के फोक डांसेस, महासू का है छोहारा, तो आंसर इज लाहौल स्पीति, ये पर्टिकुलरली परफॉर्म्ड बाय द मेन, लाहौल स्पीति का। ठीक है, ये है आपका लाहौल स्पीति। Who has been conferred the Padam Shri for the work in the field of instrumental music? Instrumental music में Padam Shri Award किसको मिला? देखिए रुमाल के लिए चंबा की ललिता वकील, यहाँ के जो famous painter हैं Mr. विजय शर्मा, उनको भी Padam Shri Award मिला है। तो आप देविका रानी, ये तो actress थी और wife of Nicholas, ठीक है,
कमला देवी और आपका रोशना देवी, ये आर्टिस्ट थे, सिंपल आर्टिस्ट जिनको अवार्ड्स मिले, नेशनल अवार्ड्स मिले। तो ये नहीं, आंसर इज मुसाफिर भारद्वाज। कौन थे आपके? मुसाफिर भारद्वाज। वेयर इज श्री बुद्धा साहिब गुरुद्वारा लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश? बुद्धा साहिब गुरुद्वारा कहाँ पे है? देखिए ऊना में तो आपका गुरुद्वारा है, ठीक है, पट्टा शाही गुरुद्वारा आपका जो है हमीरपुर में है, मंडी में आपका दमदमा महल गुरुद्वारा है, आंसर इज बिलासपुर। बिलासपुर में गुरु लाकी लाहौर जो है आपका गुरुद्वारा वो भी है, जो कि बसंतपुर में है, और ये बुद्धा साहिब गुरुद्वारा भी जो है ये भी आपका बिलासपुर में है, जिसमें गुरुदेव बहादुर जो थे आए थे यहाँ पे, किसकी? दिलीप चंद की मृत्यु का मौन करने, शोक प्रकट करने। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं, सुकेती फॉसिल पार्क इज लोकेटेड एट? रेखू वाला नहीं, ये ऊना में है, सीड मल्टीप्लीकेशन के लिए फेमस है। नाहन, नाहन में नाहन फाउंड्री कर लीजिए। नाहन बैंक कब बना था? 1893 शमशेर प्रकाश के टाइम पे बना था, और 1955 में इसको हिमाचल की नाम कर दिया था, और 1945 में ये इसको सिरमौर बैंक कर दिया था। ठीक है, प्रयागपुर ओल्डेस्ट साइट है। अभी क्वेश्चन आया था कि लोहड़ी फेस्टिवल जो है वो कहाँ पे मनाया जाता है, दैट इज फेमस लोहड़ी कहाँ पे मनाई जाती है, फेमस कहाँ की? प्रयागपुर। आंसर इज, आप देखिए आंसर वैसे ये आएगा आपका सिरमौर, ठीक है, कंडा घाट काली का डिब्बा, तो यहाँ पे आंसर आना चाहिए सिरमौर या नाहन। ठीक है, सुकेती फॉसिल पार्क हिमाचल का एकमात्र जीवाश्म पार्क है। Who was the first chairman of State Finance Commission? State Finance Commission के पहले चेयरमैन कौन है? तो ये हैं आपके सागरिका पटेल, जो है फर्स्ट फीमेल टू रिप्रेजेंट इन द आर्मी एज ए आर्मी ऑफिसर इज सागरिका पटेल। ठीक है, अश्वनी कुमार, अश्वनी कुमार फर्स्ट पुलिस मेडलिस्ट कौन थे आपके? अश्वनी कुमार। एल बी नेगी फर्स्ट डीजीपी, फर्स्ट आईएसपी कौन थे? आईजीपी कौन थे आपके? एसआर चौधरी। ठीक है, अश्विनी कुमार को जो है पुलिस मेडलिस्ट मिला था, और गंगवीर सिंह को प्रेसिडेंट अवार्ड मिला था। ठीक है, तो ये नहीं, आंसर इज एस के चौहान। मियां चूचू बस्तीराम पहाड़ी वर द प्रोमिनेंट लीडर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? बस्तीराम पहाड़ी, मियां चूचू किस के प्रोमिनेंट लीडर्स थे? तो देखिए झुग्गा आंदोलन गेड़वी अमरचंद के टाइम पे हुआ था, धामी फायरिंग भागमल सोटा 16 जुलाई 1939, मंडी कॉन्स्पिरेसी दैट इज 1940, इसको गदर पार्टी से रिलेट किया गया है, मियां जवाहर सिंह और रानी खैरगढ़ी को देश निकाला दिया गया था, और भाई हृदयाराम इज द मेन लीडर। ठीक है, आंसर इज पजोता आंदोलन, जो कि क्या है आपका 1942 में हुआ था, राजेंद्र प्रकाश के टाइम पे सिरमौर में। तो मियां चूचू वैद सूरत राम बस्ती राम ये किससे रिलेटेड है? पजोता आंदोलन से। तो ये थे मेरे आज के क्वेश्चंस। देखिए ये सेशन और कल जो पहले का सेशन है दैट इज द मिक्स्ड सेशन, ठीक है, वो 2 घंटे की क्लास थी, बट क्या हुआ है कि बीच में लाइट चली गई, जिसकी वजह से ये क्लास का मुझे पार्टीशन लेना पड़ा है। लाइट सप्लाई आजकल आपको पता है ठंड है, तो लाइट की कभी वोल्टेज का फ्लक्चुएशंस होता है, कभी कुछ होता है, तो धीरे धीरे मैं इस लाइट्स की प्रॉब्लम से भी ओवरकम कर ही लूँगी या ओवरकम हो जाएंगे हम, पर अभी जो ये दिक्कत है इसको बियर कीजिए, और आज का सेशन जो फिर से हुआ इस सेशन को भी देखिए, इंजॉय कीजिए, एंड कल जो है आपके 2 सेशन है, कल आपका कोई मैराथन नहीं है, कल आपके करंट अफेयर्स का वीकेंड का वार है, और वे उम्मीद करती हूँ कि वीकेंड का वार अच्छा जाए, और जिसमें एक आपकी हिमाचल जीके की जो क्लास होती है उसमें आपका हिमाचल करंट अफेयर डील करेंगे, और एक आपकी 9 बजे क्लास होगी। आने वाले टाइम पे मैं सारे टाइम्स को शिफ्ट कर दूंगी, ठीक है, तो जब नए सेशन शुरू करेंगे हम मंडे से। तो आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ आपसे कल। अगर सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, और उम्मीद करती हूँ कि आपको सेशंस अच्छे लगे हैं और आपने ये 2 दिन का मैराथन एंजॉय किया, लेकिन आज का मैराथन आपको ऐसा लगा होगा बोरिंग, बट आई एम सो सॉरी फॉर दैट। 3 बार मेरे साथ लाइट गई है, और 3 बार मतलब आधा आधा लेक्चर कंप्लीट हो जाता था उसके बाद लाइट चली जाती थी, तो इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ लाइट डिस्टर्बेंसेस।
सो सॉरी फॉर दैट इनकन्वीनियंस, बट आई होप कि आप इंजॉय कीजिए ये सेशन और आपको सेशन आपके लिए पढ़ाई जो है फ्रूटफुल हो. दैट्स इट फॉर टुडे. हैव अ नाइस डे एंड हैव अ नाइस इवनिंग ऑल्सो एंड हैव अ नाइस नाइट ऑल्सो. एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कल आपके लिए, हैप्पी मैरी क्रिसमस, इंजॉय कीजिए ये क्रिसमस एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल विद द लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स. बाय बाय, गुड नाइट.